Assalamu alaikum everyone. I am Zumal Shahzad and today's topic is the British cabinet. So isme hum dekhenge British cabinet ke functions kya hote hain aur inke principles kya hote hain. Ek important question hai CSS PMS ke wale se. To hum dekh lete hain ki functions mein hamare paas key points kya hain. Policy formulation, administration of the state, legislative function, monetary functions hain inke. अपॉइंटमेंट फंक्शन हैं, फिर डिसीजन अबाउट द सेशन ऑफ द कैबिनेट, सॉरी कैबिनेट. अच्छा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपको पता है कि कंट्री में जो भी पॉलिसीज इन्फोर्स होंगी, ठीक है, तो वो किसे बनानी है, वो कैबिनेट ने बनानी है. सारी की सारी जिम्मेदारी कैबिनेट की है पॉलिसी फॉर्मुलेशन की. उसके अलावा जो मतलब ईच मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बताता है, गवर्न करना होता है उसमें डिपार्टमेंट को जिस तरीके से चलाना होता है, तो वो पॉलिसीज भी कैबिनेट ही फॉर्मुलेट करती है. ठीक है, तो जो कैबिनेट है वो एक तो कंट्री को भी कैसे लेके चलना है और हर डिपार्टमेंट को भी कैसे लेके चलना है वो कैबिनेट बताती है. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, तो एक्चुअली में स्टेट को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, स्टेट के फंक्शन को कौन चला रहा है, वो कैबिनेट चला रही है. डे टू डे जितने भी फंक्शन है स्टेट के वो कैबिनेट चला रही है. ठीक है, और अपने कामों के लिए कैबिनेट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल भी होती है. कैबिनेट एक तरह से टीम है और कॉपरेशन में काम करती है, इसलिए एज अ होल हमेशा लेजिस्लेचर को आंसरेबल होती है. ठीक है, अपने फंक्शंस के लिए, अपने डिपार्टमेंट के फंक्शंस के लिए भी और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शंस के लिए भी कैबिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, या समझे मिनिस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो है वो क्या है, अपने अपने फंक्शन के लिए कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल है. और क्या है कि वो अपने डिपार्टमेंट में जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं वो कैबिनेट में बताएंगे स्टेप लेने से पहले, प्राइम मिनिस्टर को और पूरी कैबिनेट को बताएंगे, फिर कोई ना कोई स्टेप लेंगे, उससे प्रायर कोई स्टेप नहीं ले सकते. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन. तो हमारे पास जितनी भी पार्लियामेंट मतलब कैबिनेट है उसका ये काम होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन. ठीक है, उन्होंने बिल प्रेजेंट करना होता है, बिल को डिस्कस करना होता है पार्लियामेंट में, प्रेजेंट करने से पहले प्रिपेयर करना होता है, चीजों को इंट्रोड्यूस करवाना होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में उसको पायलट करना होता है. ठीक है, स्टार्ट करना होता है जो भी उन्होंने लेजिस्लेटिव मेजर्स देने हैं. ठीक है, अच्छा, प्राइवेट मेंबर बिल भी होते हैं, कुछ लेजिस्लेशन प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू भी होती है. प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब कैबिनेट का पार्ट नहीं है और लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करवाना चाहे तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं. ठीक है, तो कुछ फ्राइडेज होते हैं जो प्रिजर्व किए होते हैं इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, और उस पर भी वोटिंग होती है, जो जितने भी बिल्स आ जाएं उस फ्राइडे को उस पर वोटिंग होती है कि कौन सा सबसे अहम बिल है जिसके ऊपर अब डिस्कशन होनी चाहिए, निगोसिएशन होनी चाहिए, उसे पास करना चाहिए. लेकिन उसमें से भी बहुत कम बिल जो है वो लॉ बनने तक पहुँचते हैं, बहुत सारे पहली रीडिंग या दूसरी रीडिंग में ही खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन मोस्टली किसका है, कैबिनेट का. पार्लियामेंट का रोल है लेकिन लिमिटेड रोल है, ज्यादातर रोल उनका डिस्कशन वगैरह में है. नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरी फंक्शन. अब हमने जितनी भी मतलब पार्लियामेंट के हवाले से पढ़ा है तो हमने देखा है कि जी बजट बनाना, मॉनिटरी पॉलिसी देना, सबका सब काम एक्चुअली में कैबिनेट कर रही होती है. ठीक है, तो कैबिनेट एब्सोल्यूट कंट्रोलर है नेशनल फाइनेंस की, वो बजट प्रिपेयर करेगी. ठीक है, फिर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी. फाइन, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, उस पर एग्जॉस्टेड डेलिब्रेशन होंगी, अगर कोई चीज चेंज होनी है, कोई चीज ऐड होनी है तो पार्लियामेंट बता देगी अपने डिस्कशन में, वरना कैबिनेट ने जो प्रेजेंट किया है वो एज अ होल जो है वो पास हो जाएगा. फाइन, अच्छा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द कैबिनेट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू इनिशिएट ऑल द मेजर्स इन्वॉल्विंग स्पेंडिंग और रेजिंग ऑफ द मनी. ठीक है, मतलब कि मनी किधर किधर स्पेंड होनी है और कहाँ कहाँ से टैक्स लगा के कलेक्ट की जानी है वो कैबिनेट बताएगी. एक्चुअली यही तो बजट मेकिंग होता है, तो कैबिनेट का प्रेरोगेटिव है बजट मेकिंग. अच्छा, इसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट फंक्शन. तो ये कैबिनेट ही होती है जो कि डिस्कस करती है कि कौन कौन सा ऑफिशियल किस किस ऑफिस में आएगा, कौन कौन से इंसान को हमने किस किस पोस्ट पे रखना है. ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, फिर वो नेम्स रिकमेंड करते हैं कैबिनेट मोनार्क को. एक्चुअली पीएम मतलब कैबिनेट में डिस्कशन हो गई, पीएम को बता दिया कि हम इस नेम पर जो है वो हमारा कंसेंसस है. पीएम जाके मोनार्क को बता देता है और मोनार्क जो है वो उनको अपॉइंट कर देता है, उनके अपॉइंटमेंट को अनाउंस कर देता है. ठीक है,
तो ये कैबिनेट का ही फंक्शन है। देन कैबिनेट के सेशन कब कब होंगे या पार्लियामेंट के सेशन कब कब होंगे, तो ये सब भी कैबिनेट बताती है। ठीक है, सही है। तो ये बताएंगे कि कब मिलना है, किस टाइम पे मिलना है, ठीक है, कितने टाइम का सेशन होगा और क्या एजेंडा डिस्कस होगा उस सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में, ये कैबिनेट डिसाइड करती है। ठीक है, ये ऊपर हेडिंग में मैंने कैबिनेट लिखा था, सेशन ऑफ द कैबिनेट, यहाँ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आना था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ द कैबिनेट। तो हमारे पास ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे वर्ड सीक्रेसी में करते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ द मोनार्की है, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट मेजोरिटी, टीम के तौर पे काम करते हैं, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, फिर हमारे पास पॉलिटिकल होमोजेनिटी है एंड सबॉर्डिनेशन टू पीएम है। इन सबको डिटेल में देख लेते हैं। जो कैबिनेट है ना वो सीक्रेटली काम करती है। अब सीक्रेटली क्या काम करती है, इसकी जितनी भी मीटिंग्स होती है वो थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली सीक्रेट होती है। वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, किस चीज पे डिसीजन आया है, ये सीक्रेटली होता है। अनटिल और अनलेस वो जो बिल है या पॉलिसी है वो लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं हो जाती, और उतनी ही जितनी प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि इतनी चीज को प्रेजेंट कर दिया जाए, तो बाकी जितना ही काम करेंगे वो सीक्रेटली काम करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी डिस्कशन होती है कैबिनेट मीटिंग की वो सीक्रेट रखी जाती है। उसके बाद क्या है, हमारे पास मोनार्क जो है वो मीटिंग्स में नहीं बैठ सकता, ना ही मीटिंग्स कॉल कर सकता है, ना ही सेशंस में बैठ सकता है। ठीक है, कैबिनेट की, क्योंकि ये सीक्रेट होता है ना काम, तो कैबिनेट खुद ही डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या काम करना है, बस वो मोनार्क को पीएम के थ्रू बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द कैबिनेट है, तो वो जो है जितनी भी मीटिंग्स है उनको प्राइम मिनिस्टर ही लीड करता है। ठीक है, फिर जो भी पॉलिसीज बन गई है वो मोनार्क को कौन ब्रीफ करता है, प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। अब जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास दुनिया में, उन सब में यही है कि कैबिनेट जो है वो एक्चुअली पार्लियामेंट के मेंबर्स से आती है। ठीक है, पाकिस्तान में भी 11% ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी द कैबिनेट, ठीक है, शुड बी द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पर भी यही है कि जो मेजोरिटी पार्टी है ना पार्लियामेंट में, उसी में से एक्चुअली में कैबिनेट आती है। ठीक है, पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी है उसी का चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल होमोजेनिटी की जरूरत होती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर सकती, इसलिए। देन हमारे पास क्या है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। सो व्हाट इज कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ये है कि पूरी की पूरी कैबिनेट, ठीक है, एज अ होल अकाउंटेबल होगी बिफोर द पार्लियामेंट अपने एक्शंस के लिए। ठीक है, अगर किसी एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने कोई काम खराब किया तो सारी की सारी कैबिनेट उसको डिफेंड करेगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की ओपिनियन को डिफेंड करेगी, कोई पॉलिसी आई है उसको डिफेंड करेगी, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो एग्जॉस्टिव डिलिब्रेशन और डिस्कशंस के बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और आपको पता सीक्रेट है। अब कोई भी कैबिनेट का मेंबर ऑपोजिट स्टांस नहीं रख सकता उस पॉलिसी या डिसीजन पे जो कैबिनेट की तरफ से आ गया। अगर कोई भी एक मेंबर, कोई भी मिनिस्टर ऐसा करता है तो उसको जो है वो, उससे पहले ये जरूरी है कि वो ऑफिसर रिजाइन कर दे। ठीक है, अगर वैसा कर रहे हैं तो ये है कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कि आप कैबिनेट के जितने भी फंक्शंस हैं, अगर आप मेंबर हो कैबिनेट का तो उसको डिफेंड करोगे, और अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, और अगर आपको कोई भी इख्तलाफ है तो आप रिजाइन कर दो, सीधी सी बात है। उसमें रहकर उसको गंदा करने की कोशिश ना करें, अनलाइक पाकिस्तान। तो ये सिस्टम किस तरह अब ऑपरेटिव है कि आप मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर वो इस तरह काम नहीं कर पा रहा, या वो स्टांस नहीं रख पा रहा, या पॉलिसी को पोस्ट कर रहा है पब्लिक में आके। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट एक टीम है, कैबिनेट एक टीम की तरह काम कर रही है, तो कोई एक बंदा भी कोई ऑपोजिट वे में नहीं चल सकता, वरना कैबिनेट नहीं काम कर सकेगी प्रॉपरली। देन हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि एक मिनिस्टर अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है। अब वो अपने डिपार्टमेंट के फंक्शन के लिए पार्लियामेंट में भी अकाउंटेबल है, मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्टर है वो कैबिनेट को भी अकाउंटेबल है, प्राइम मिनिस्टर को भी अकाउंटेबल है। ठीक है, अब जो मिनिस्टर है ना अपने डिपार्टमेंट में कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाह रहे हैं, वो पहले कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को बताएगा, उनसे कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही वो कोई पॉलिसी कंडक्ट करेगा, वरना नहीं। और अगर इस तरह कोई काम करता है और फिर
पूरी की पूरी कैबिनेट को पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होना पड़ता है, तो इससे हो सकता है कि पूरी गवर्नमेंट को डिसॉल्व होना पड़े, तो ये जो है ना काम ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि जी कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है, तो जी ऑब्वियसली कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है, और उस टीम का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब पूरी की पूरी टीम पॉलिटिकली होमोजीनियस होती है, उनकी एक ही राय होती है जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर। अब जो भी पॉलिसी बनती है वो एग्जॉस्टिव डेलिब्रेशन से, डिस्कशन से बनती है। ठीक है, तो कैबिनेट के तमाम मेंबर्स उस पॉलिसी को डिफेंड करते हैं और उस पॉलिसी के लिए कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं। फाइन, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, हर मिनिस्टर को बता दिया जाता है कि हम हमारा एक्चुअली में ये गोल है पूरा पूरा, और हर डिपार्टमेंट ने ये छोटे छोटे टास्क करने हैं जिससे हमारा ये पूरा गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे के फंक्शन को डिपेंड करते हैं, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अदरवाइज यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। ओके, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अब हम देखते आ रहे हैं कि जी ये टीम की तरह काम कर रही है, इनकी एक ही स्टांस होता है हर एक मैटर पे, तो दिस इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ठीक है, फिर बात रिपीट हो रही है कि जी हर डिसीजन जो है वो एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद लिया जाता है, तो हर मिनिस्टर को उसे डिफेंड करना होता है। ठीक है, वरना रिजाइन करना पड़ेगा, तो दिस इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हो, तो क्या है कि आपको फिर टीम की तरह काम करना है, एक ही स्टांस रखना है, और फिर पार्लियामेंट में जो है उसको डिफेंड करना है। तो क्या है कि वो कैबिनेट है, दे स्टैंड टुगेदर एंड फॉल टुगेदर, दे स्टैंड टुगेदर एंड दे फॉल टुगेदर। तो जो भी मैटर है उस पे सब एक ही स्टांस रखेंगे। अच्छा, अब क्या है, सबऑर्डिनेशन टू पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजोरिटी पार्टी से आता है पार्लियामेंट की। ठीक है, तो वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो तमाम मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है कैबिनेट की, और पूरी की पूरी कैबिनेट उसके अंडर काम कर रही होती है, उसके लीडरशिप में काम कर रही होती है, तो देख रहा होता है कि कौन सा मेरा कलीग क्या काम करना करेगा। ठीक है, कैसे काम कर रहा है, पोर्टफोलियोज को एलोकेट करता है, डिपार्टमेंट्स बताता है, और ट्रांसफर कर सकता है किसी एक मिनिस्टर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ट्रांसफरेशन भी ये कर होता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं, और किसी को ऑफिस से खुद ही डिसमिस भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे बंदा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि लेक्चर आसान था, समझ आया होगा, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो आसान ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि एक फेसबुक का पेज लेकर आऊँ जहाँ ये जो है स्लाइड्स में शेयर करूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। आप कमेंट में बताइए कि आप ऐसा कुछ चाहते हैं या नहीं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दूसरे जो हैं आपके साथ एस्पिरेंट्स हैं, दोस्त हैं, और या कजन है कोई जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका भी फायदा होगा। और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि जो है नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।